तो आज मैंने ये क्ले आर्ट बनाया है, ट्रस्ट मी फर्स्ट टाइम मैंने इसे बनाया है और मुझे फर्स्ट टाइम में ये इतना ज़्यादा सुंदर लगा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इसको सामने हाथ में ले रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। हमें चाहिए इसके लिए थिक कार्डबोर्ड, अगर आपके पास पतला है कार्डबोर्ड तो आप दो कार्डबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं। इसको हम चारों साइड से टेप से अच्छे से स्टिक कर देंगे। यहाँ पर यूज़ मिली है वॉल पुट्टी, वॉल पुट्टी को कुछ इस तरह से हम कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। पुट्टी का यूज़ किया है और हमने यूज़ मिली है ऑयल, फेविको एंड मॉइस्चराइजर, टेलकम पाउडर, इन सभी चीज़ों को मैंने यूज़ में लिया है एंड इनको कुछ इस तरह से मिक्स कर दिया है। कंसिस्टेंसी ऐसी रहे कि हाथ में चिपके ना एंड लिक्विड बिल्कुल भी ना हो एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। यानी अगर आपके क्ले में दरारें आ रही हैं तो इसका मतलब आपका क्ले बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपका क्ले अच्छा होगा तो आप कोई भी शेप ईजिली आप उसे दे सकते हैं एंड आप आराम से उसे यूज़ में ले सकते हैं, तो ही आप समझिएगा आपका क्ले अच्छा हो गया है। एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ही इसे बनाई हूँ। पुट्टी का क्ले मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मार्केट में अगर आप क्ले परचेज़ करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है एंड ये जो प्रोजेक्ट मैं आज बना रही हूँ, अगर मैं इसे मार्केट से ख़रीदती तो मे बी मेरा 200 के ऊपर ही जाके रेंज पड़ता अगर मैं वॉल पुट्टी बनाने की कोशिश ना करती तो। इसीलिए मैंने ख़रीद लिया क्योंकि इसे कोई भी ईजिली अपने घर में बना सकता है एंड मैंने तो एक बड़ा वाला डिब्बा बना के रख लिया, आप भी बना के रख लो, सीरियसली बहुत मज़ा आता है। ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेक्सचर बनकर आया, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इन्हें शेप दे रही हूँ एंड शेप देते टाइम हमें ध्यान में रखना है कि हम जब भी इसे यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ग्लू जो है वो थिक होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। थिक रहेगा तो ईजिली ये चिपक जाएगा। एंड जब हम पुट्टी बना रहे हैं तो पुट्टी को क्ले में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी हमें ग्लू अच्छे से यूज़ में ही लेना है, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर हल्की सी भी कंजूसी करेंगे तो पुट्टी आपकी क्ले में कन्वर्ट तो हो जाएगी बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगी, वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगी, मतलब ड्राई हो जाता है एंड उसमें क्रैकिंग आना शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही बेकार लगता है फिर कोई भी ड्राइंग अगर आप बना रहे हैं। एंड आप भी कुछ इसी तरह से बनाएगा तो वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए मैंने इसे कैसे बनाया है एंड पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा।